एक टाइम था जब अनिल अंबानी अपने घर से ऑफिस तक हेलीकॉप्टर से जाते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को बर्थडे में 400 करोड़ की बोट भी गिफ्ट की थी और 2008 में करीब 2 लाख करोड़ की नेटवर्क के साथ दुनिया के 6वें रिचेस्ट मैन थे। लेकिन फिर अगले 10 सालों में जो हुआ वो देखने लायक था। देखते ही देखते उनके बिजनेस एम्पायर कोलैप्स कर गया और उनकी नेटवर्क सीधा जीरो हो गई। आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिसने अनिल अंबानी को उनके घुटनों पर ला दिया? आखिर उनके शॉकिंग डाउनफॉल का क्या कारण था? आइए जानते हैं इस वीडियो में एक आसान भाषा में। 6 जुलाई 2002 को इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी अपनी आखिरी सांस लेते। वो 40 साल पहले केवल 500 रुपए लेके मुंबई आए थे और आज अपने बेटों के लिए 25,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर छोड़ के जा रहे हैं। उनकी डेथ के बाद करीब 2 महीने तक मुकेश और अनिल अंबानी ने साथ में रिलायंस को संभाला, लेकिन फिर उनके बीच की दरारें काफी बढ़ गई, जिसके 3 कारण थे। धीरूभाई अंबानी ने अपनी डेथ से पहले कोई भी विल या सक्सेशन प्लान नहीं बनाया था, मतलब बिजनेस को अपने बच्चों के बीच में डिवाइडेड नहीं किया था, जिस कारण दोनों भाइयों के बीच बिजनेस का कंट्रोल गेन करने के लिए डिस्प्यूट चालू हो गए। कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा कारण था बिजनेस के लिए दोनों को अलग अलग विजन होना। जहां मुकेश अंबानी टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वहीं अनिल अंबानी पावर जनरेशन बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे। लेकिन रिलायंस के पास इनमें से केवल एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था और फाइनली रिलायंस ने टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट किया। डिस्प्यूट का जो फाइनल कारण था वो था अनिल अंबानी की लाइफ स्टाइल। अनिल अंबानी काफी फ्लेम पॉइंट और आउटगोइंग नेचर के थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले ली थी और समाजवादी पार्टी के थ्रू राज्यसभा में MP बन गए थे। ऑल्सो रिपोर्टेडली फैमिली ने अनिल अंबानी के फिल्म एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी करने के फैसले को अपोज किया था, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा जब अनिल अंबानी ने घर छोड़ने की धमकी दे दी थी। लेकिन मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के पॉलिटिशियन बॉलीवुड सेलिब्रिटी से क्लोजनेस से खुश नहीं थे। दोनों भाइयों के बीच बढ़ते डिस्प्यूट को देखते हुए उनकी मदर कोकिला बेन रिलायंस ग्रुप को दोनों भाइयों में इक्वली डिवाइडेड करने का फैसला लेती है। 18 जून 2005 इस दिन बंटवारे को ऑफिशियली पब्लिक किया जाता है। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और IPCL आती है, जो बाद में कंबाइंड होकर केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है। इनका काम था क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्शन और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, बेसिकली रिलायंस का कोर बिजनेस। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर आती है। इन कंपनी को मिलाकर एक ग्रुप बनता है, उसे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी ADAG कहा जाता है। मुकेश अंबानी को ऐसी कंपनीज मिली थी जो ऑलरेडी मैसिव कैश फ्लो और प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में ऐसी कंपनी आती है जिनका करंट रेवेन्यू और प्रॉफिट कम था, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ काफी ज्यादा थी। अनिल अंबानी ने इतना फ्रीडम इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो जब चाहते, जहाँ चाहते, जितना चाहते उतना इन्वेस्ट कर सकते थे। इसलिए सेटलमेंट के 2 दिन के बाद ही उन्होंने ADAG में हजारों करोड़ों के नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी थी। वो रिलायंस पावर के थ्रू 80,000 करोड़ के पावर प्लांट लगाने वाले थे, 2,000 करोड़ रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले थे और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री लेने वाले थे। इन्हीं प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों का लोन भी लिया था और कुछ ही महीने बाद उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन का IPO भी लॉन्च कर दिया था। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन चुपचाप अपने पेट्रोकेमिकल के बिजनेस को एक्सपेंड करते रहे और रिटेल इंडस्ट्री में भी एंट्री ले ली। सेटलमेंट के केवल 1 साल बाद दोनों भाइयों की नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ती रही। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $8.5 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन पहुंच गई। दूसरी तरफ अनिल अंबानी की नेटवर्थ $5.7 बिलियन से बढ़कर करीब $18 बिलियन की हो गई थी और इसी के साथ वे दुनिया के 18 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आ गए थे। लेकिन शायद वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके बड़े भाई अभी भी उनसे 4 प्लेस आगे थे। अनिल अंबानी की जो नेटवर्थ थी वो इतनी तेजी से रिलायंस कम्युनिकेशन के IPO से बढ़ी थी और 2008 में अब वो अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस पावर के IPO को लाने वाले थे। उस समय रिलायंस पावर 12 अलग अलग पावर प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रही थी। 12 प्रोजेक्ट में से अनिल अंबानी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था दादरी प्रोजेक्ट, जो नेचुरल गैस का यूज करके करीब 7,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला था और पूरा होने के बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फायर्ड पावर प्लांट बनने वाला था। कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए जब जनवरी 2008 में इसका IPO लॉन्च हुआ तो 1 मिनट के अंदर ही अंदर वो
फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। कंपनी ने करीब 11,500 करोड़ रुपए रेस कर लिए और ये अपने टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। साथ में रिलायंस कम्युनिकेशन भी 2008 तक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी और रिलायंस कैपिटल भी तेजी से ग्रो कर रही थी। बेसिकली ADAG अपनी पीक में था। इसी के चलते 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ $18 बिलियन से $42 बिलियन हो चुकी थी, यानी करीब 2,00,000 करोड़ तक पहुंच गई और पूरे वर्ल्ड के 6th सबसे अमीर इंसान बन गए थे, मुकेश अंबानी से केवल एक स्पॉट पीछे। अनिल अंबानी की जो फिलोसफी थी, तेजी से सोचना और तेजी से आगे बढ़ना, और इसी फिलोसफी ने उन्हें शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल भी बना दिया। शायद अपनी इस सक्सेस को एंजॉय करते हुए वे तेजी और जल्दबाजी में फर्क करना भूल गए। बाहर से उनका बिजनेस एम्पायर काफी स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन रियलिटी में वो एक रेत के महल जैसा था जो बहुत जल्द ढलने वाला था। 2008 में अनिल अंबानी के ग्रुप ADAG का टोटल प्रॉफिट करीब 9,000 करोड़ था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इसमें से 75% प्रॉफिट ग्रुप की केवल एक कंपनी से आता था, रिलायंस कम्युनिकेशन से। मतलब ADAG रिलायंस कम्युनिकेशन पर ओवर डिपेंडेंट था। रिलायंस कम्युनिकेशन उस समय 17.5% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन 2000 में वोडाफोन की एंट्री और एयरटेल का अग्रेसिव एक्सपेंशन के बाद उसका मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था। अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने समय के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन को इवॉल्व नहीं किया था। जब 2002 में रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन्च हुई थी, तब लोग मोबाइल को केवल कॉल्स के लिए यूज करते थे, इसलिए रिलायंस कम्युनिकेशन ने CDMA कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो कॉल के लिए बेटर क्वालिटी और कवरेज प्रोवाइड भी करती थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी 3G में बहुत स्लो इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करती थी और 4G नेटवर्क का तो सपोर्ट ही नहीं करती थी। इसलिए लेट 2000 में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स बढ़ा तो लोग रिलायंस कम्युनिकेशन को छोड़कर एयरटेल और वोडाफोन में शिफ्ट होने लगे, जो GSM कम्युनिकेशन यूज करते थे और बेटर इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराते थे। अनिल अंबानी ने फिर से 1,000 करोड़ों का लोन लेकर GSM टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। पर ये तो सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत थी। अनिल अंबानी के लिए अगला झटका आया रिलायंस पावर से। रिलायंस पावर के पास दादरी और शाहपुर में 2 गैस फायर्ड पावर प्लांट थे। ये प्लांट नेचुरल गैस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, लेकिन इस नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए अनिल अंबानी केवल एक इंसान पर डिपेंडेंट थे और वो इंसान थे उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी। बंटवारे के वक्त दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.3 पर यूनिट के रेट पर रिलायंस पावर को नेचुरल गैस सप्लाई करेगी, लेकिन मुकेश अंबानी ने अचानक प्राइस को सीधा डबल कर दिया, जिससे रिलायंस पावर का इनपुट कॉस्ट बढ़ गया और प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हुई। इसके रिस्पांस में अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर दिया और 2009 में वो केस जीत गए। लेकिन मुकेश अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर दिया और 2010 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और इस बार ये ऑर्डर मुकेश अंबानी के फेवर में था। अनिल अंबानी के पास अब महंगी नेचुरल गैस खरीदने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो इस प्रॉब्लम को डील कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक और शॉक मिला। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2004 में इमरजेंसी पावर्स का यूज करके किसानों से 2100 एकड़ की जमीन एक्वायर कर ली थी। बाद में इसी जमीन को रिलायंस पावर को दे दिया गया और अनिल अंबानी इसी जमीन पर अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दादरी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे। लेकिन फिर 1000 से ज्यादा किसानों ने अलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। उनका पहला ऑब्जेक्शन था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक पर्पस के लिए लैंड को एक्वायर किया था, लेकिन बाद में उसे एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन था कि गवर्नमेंट इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें फार्मर से 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न लेना पड़े। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों ने किसानों के फेवर में डिसीजन दिया और अनिल अंबानी को किसानों को जमीन लौटाने का ऑर्डर दे दिया। एज अ रिजल्ट उन्हें दादरी प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ा और उन्हें रिलायंस पावर में 1,000 करोड़ों का लॉस हुआ। 2015 तक रिलायंस कैपिटल के अलावा अनिल अंबानी की सभी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही थी। GSM टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के बाद भी रिलायंस कम्युनिकेशन का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट आधा हो चुका था और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। इसी के चलते 2015 तक ADAG के ऊपर करीब 1,25,000 करोड़ का लोन चढ़ चुका था। इनफैक्ट 2015 की हाउस ऑफ डेप्थ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ADAG इंडिया का सबसे ज्यादा लोन लेने वाला ग्रुप बन चुका था। लेकिन अनिल अंबानी की करेंट बिजनेस की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी अनिल अंबानी ने नई इंडस्ट्री में एंट्री करने का फैसला कर लिया। उन्होंने करीब 2,000 करोड़ में पीपावर डिफेंस नाम की कंपनी को खरीद कर डिफेंस इंडस्ट्री में एंट्री ले ली।
ये ना केवल लॉस मेकिंग कंपनी थी बल्कि साथ में इसके ऊपर करीब 6,700 करोड़ का लोन था। बाद में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस कर दिया गया और इसमें 5,000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी की गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अनिल अंबानी को डिफेंस सेक्टर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और कंपनी में हाई लोन के कारण कैश की कमी थी, इसलिए कभी भी उनको मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जिस कारण वो कंपनी अपने लोन को कभी भी रिपे नहीं कर पाई और साथ में बर्बाद हो गई। बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्री में एंट्री लेकर अनिल अंबानी अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा लिया था। 2016 में ADAG जैसे तैसे करके ऑपरेट कर रहा था, तभी एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने अनिल अंबानी को जड़ से हिला दिया और वो कंपनी थी जियो। जियो ने लॉन्च होने के बाद कई महीनों तक लोगों को फ्री कॉल और 4G इंटरनेट दिया और इंडिया के पूरे टेलीकॉम मार्केट को डिस्क्रप्ट कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत वैसे ही नाजुक थी और जियो के लॉन्च के बाद उनका कंप्लीट मेल्टडाउन शुरू हो गया। अगले 3 सालों में रिलायंस कम्युनिकेशन ने करीब 10 करोड़ सब्सक्राइबर लूज कर दिए। 2018 तक उनके पास केवल 22,000 सब्सक्राइबर बचे थे। उनका मार्केट शेयर प्रैक्टिकली जीरो हो चुका था, इसलिए फरवरी 2019 में उन्होंने बैंकक्रप्टी फाइल कर दी। इसके दौरान स्वदेश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन को अपना मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए हायर किया था, लेकिन कई सालों से उन्होंने उन्हें पेमेंट नहीं की थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को ऑर्डर किया कि वो एक महीने के अंदर एरिक्सन को 550 करोड़ पे करे और ऐसा न करने पर उन्हें 3 महीने की जेल हो जाएगी। उनके जेल जाने को कोई नहीं टाल सकता था। तभी आखिरी दिन मुकेश अंबानी ने एरिक्सन के ड्यू पे करे और अनिल अंबानी को बचा लिया। इस दौरान रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की लास्ट होप थी, बट 2019 तक वो भी बर्बाद होने की कगार पर थी। रिलायंस कैपिटल के कई बिजनेस में से एक बिजनेस था कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, जिसमें वो दूसरी कंपनी को लोन देते थे, लेकिन उन्होंने हजारों करोड़ों का लोन अनिल अंबानी की ही दूसरी कंपनी को दे दिया था और वो पैसा अब डूब चुका था। ऑल्सो रिलायंस कैपिटल की एनुअल रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी ने हजारों करोड़ों का लॉस होने के बाद भी अपने शेयर होल्डर्स को करीब 400 करोड़ का डिविडेंड दिया है। मतलब कंपनी को लॉस में चलाने के बावजूद अनिल अंबानी उससे अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए करोड़ों रुपए निकाल रहे थे और इन्हीं कारणों की वजह से रिलायंस कैपिटल कभी डाउनफॉल हो गया। ADAG की खराब हालत को देखते हुए जिन बैंक ने उन्हें लोन दिया था उन्होंने पैसा वसूलने के लिए अनिल अंबानी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिए। अब क्योंकि उनकी हर कंपनी लॉस में थी, इसलिए लोन चुकाने के लिए उन्हें एक के बाद एक अपने एसेट और कई बार पूरी कंपनी को बेचनी पड़ी। लेकिन इन्हीं सब के बाद भी 2021 तक ADAG पर करीब 20,000 करोड़ का लोन बचा हुआ था और आज तक इस डेट के रिसोल्यूशन पर काम चल रहा था। आज के दिन उनकी सभी कंपनीज के शेयर प्राइस क्रैश कर चुके हैं। एक के बाद एक कंपनी ने बैंकक्रप्टी फाइल कर दी है और जो कंपनी बची हुई है उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रही है। ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिनके अकॉर्डिंग अनिल अंबानी के पास अभी भी करोड़ों के 4G एसेट्स है, पर ऑन पेपर उनकी नेटवर्थ ना के बराबर है। अनिल अंबानी एक ऐसे बिजनेस टाइकून थे जो एक टाइम पर अपने एम्बिशन, फेम, पैसा और पावर के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उनका बिजनेस एम्पायर क्रम्बल कर चुका है। उन्होंने टाइम रहते अपने अच्छे चलते हुए बिजनेस जैसे आरकॉम को इनोवेट ही नहीं किया, बिना ज्यादा सोचे नए प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ों का लोन ले लिया, कई ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर लिया जो ऑलरेडी लॉस में चल रही थी और लगातार लीगल केसेस और कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे। आखिर में यही गलतियाँ उनकी ट्रेजिक डिक्लाइन का कारण बनी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।